મુંબઈ જેવા રાજ્યોમાં ચાલતી ડબલ ડેકર ફરતી હોટેલની શરૂઆત આજ રોજ અમદાવાદ ખાતે શરૂ કરવામાં આવી. અમદાવાદ ખાતે આ ચાલતી ફરતી હોટેલ આ લોકોમાં ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું. અમદાવાદ ખાતે તમે ફરતી હોટેલ, ટેરેસ હોટેલ જેવી કેટલાય પ્રકારની હોટેલો જોઈ હશે, પણ હવે અમદાવાદ ખાતે ચાલતી ફરતી હોટેલની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આજકાલ પોતાના વેપારમાં વધુ નફો મેળવવા માટે લોકો નવી નવી તરકીબો શોધતા હોય છે, ત્યારે અમદાવાદના હાર્દિક શાહ નામના વેપારીએ ચાલતી ફરતી હોટેલ હાઈજેક ડબલ ડેકર ચાલતી ફરતી અમદાવાદમાં સિદ્ધુ ભવન વિસ્તારથી શરૂઆત કરવામાં આવી છે. હાર્દિક શાહની આવી ચાલતી ફરતી હોટેલ બેંગ્લોર અને મુંબઈના શહેરોમાં ચાલુ છે અને અમદાવાદમાં લોકોમાં પણ હોટેલ ચાલુ કરવામાં આવી છે. આ હોટેલ ડબલ ડેકર બસમાં બનાવવામાં આવી છે. ટોપ ફ્લોર પર જમવાની સુવિધા છે, આમ 40 લોકો જમી શકે તેવી સુવિધા છે. સાથોસાથ મ્યુઝિકની મજા પણ માણી શકાય તેવી સુવિધા છે અને આ હોટેલ તમને એક કલાક સુધી જમવા સાથે લોંગ ડ્રાઈવનો પણ આનંદ આપશે. આ ડબલ ડેકર ચાલતી ફરતી હોટેલનો અમદાવાદમાં કેવો ક્રેઝ જોવા મળશે એ તો આવનાર સમય જ બતાવશે. મેરા નામ હાર્દિક શાહ, और ये जो रेस्टोरेंट है वो हाईजेक है, डबल डेकर इंडिया का सबसे पहले डबल डेकर मूविंग बस रेस्टोरेंट, जो हमने चेन्नई से इसकी शुरुआत की थी. सबसे पहले हमने चेन्नई से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने बॉम्बे में लॉन्च किया, अब हम ये अहमदाबाद में चालू करने जा रहे हैं. ये डबल डेकर मूविंग रेस्टोरेंट है जिसकी कैपेसिटी 40 लोगों की है. 20 ऊपर बैठ सकते हैं, 20 नीचे बैठ सकते हैं और ये 1.5 घंटे घुमाते हुए सबको खाना खिलाएगी और सबको एंटरटेन करेगी. ये फिलहाल SG रिंग रोड और SP रिंग रोड पे घूमेगा और इसका दो टाइमिंग रहेगा रेगुलर डिनर का, 7:30 बजे और 9:30 बजे. अभी ये 3 सिटी में चल रही है, एक चेन्नई चल रही है, एक बॉम्बे है और ये अहमदाबाद हम स्टार्ट कर रहे हैं. मेरा नाम जागृति फाल्गुन ठाकुर है और मैं यहाँ अहमदाबाद की थिएटर आर्टिस्ट हूँ. मैं यहाँ फिल्में और नाटक सब करती हूँ और मीडिया से मेरा बहुत ही करीबी रिश्ता है. पहले तो ये है कि मैं होटल में तो हम सब जाते हैं, वो जो एक बंद होटल होती है उसमें बैठते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन ये एक नए तरीके से इन्वेंट किया हुआ है कि हम ये बस में बैठे हैं तो ये सब विंडो है वो सब कांच की है तो थ्रू हम सब देख सकते हैं और बस मूव होती है तो उससे एक अलग ही अनुभव होता है और बहुत ही अच्छा लगता है. और ये सब देखते देखते खाने खाना और 1.5 घंटा कहाँ बीत जाए वो पता नहीं चलता, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. मैं ये बहुत ही अच्छा और नए तरह का एक्सपीरियंस है तो आप सब लोगों को ये ट्राई जरूर करना चाहिए, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा और आप सबको भी बहुत मजा आएगा. जयेश प्रजापति साथ है, NH गुजरात न्यूज़, अहमदाबाद.